इस बीच ये बड़ी खबर आ रही है, हम अपने दर्शकों को बता दें, पहलवानों के धरने पर WFI चीफ ब्रिजभूषण शरण सिंह ने बड़ा हमला किया है और कहा कि जो ताकतें शाहीन बाग किसान आंदोलन में सक्रिय थी वही आज दिखाई दे रही है। उन्होंने हमला तेज करते हुए कहा कि मैं शुरू से कह रहा था कि मेरा इस्तीफा इनका मकसद नहीं है, इनकी मांग पर FIR दर्ज हो गई और उसके बाद भी ये घर नहीं जा रहे हैं। जिस तरह से प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा यहाँ पर पहुंचे, जैसे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, जिस भाषा का प्रयोग हो रहा है और बाकी की चीजें हो रही हैं, इससे प्रतीत होता है कि ये खिलाड़ियों का आंदोलन नहीं है। देखिए बड़ी बात यहाँ पर, WFI के जो चीफ हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह, उन्होंने ये तमाम बातें कही हैं और बड़ा आरोप यहाँ पर लगाया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार अनुष्का बनी हुई है। अनुष्का, ब्रिजभूषण शरण सिंह जिन पर बड़ा आरोप यहाँ पर लगा है और आप बने रहिए हमारे साथ, देखिए ये पूरा मामला हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं किस तरह से ब्रिजभूषण शरण सिंह पर ये बड़ा आरोप पहलवानों ने लगाया है, इसको लेकर अब देखिए उन्होंने क्या कुछ उन्होंने कहा है वो हम आपको बता रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जो ताकतें शाहीन बाग किसान आंदोलन में सक्रिय थी वही आज दिखाई दे रही है। उन्होंने हमला तेज करते हुए भी कहा कि मैं तो शुरू से कह रहा था कि मेरा इस्तीफा इनका मकसद नहीं है, बल्कि इनकी मांग पर देखिए FIR भी दर्ज हो गई, लेकिन उसके बाद भी ये घर नहीं जा रहे। मैंने एक ऑडियो पहले से ओलंपिक कमेटी के सामने बनी थी, जो कमेटी उसके सामने एक सरकार की जो कमेटी सबको मैंने दे दिया था कि बजरंग पुनिया एक लड़की से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई किसी भी लड़की का इंतजाम कराओ, किसी भी तरीके से इंतजाम कराओ, और 3 महीना बाद इंतजाम कर लिया इन्होंने और एक नया मामला लेकर के आ गए। तो कहने का मतलब एक FIR जब लिखी जाती है तो 1 घंटे के अंदर 2 घंटे के अंदर लिखी जाती है और 2012 से घटना घट रही है, 2015 में घट रही है, 16 में घट रही है, तो 10-12 साल सोच समझ करके मामला ला रहे हैं और मामला भी एक साथ नहीं ला रहे हैं, अलग अलग ला रहे हैं। तो मैं तो एक ऐसा आदमी हूँ जिसके खिलाफ 4 महीने से खड़ियंत हो रहा है, किस चीज़ का इस्तीफा देना चाहिए, कौन सा गलत काम मैंने किया है कि इस्तीफा दे दूँ। सुप्रीम कोर्ट में पूरे प्रकरण में न जा करके सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार FIR हो गई, दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, तो जांच का परिणाम आने दो, उसके पहले किस चीज़ का इस्तीफा बनता है। मुझे तो ये भी नहीं मालूम है कि मेरे ऊपर आरोप क्या है, जैसे कोई नाबालिग लड़की जो आरोप लेकर के आई है, मुझे तो ये भी नहीं पता है कि उस कौन सी लड़की है, क्या है और मेरे ऊपर आरोप क्या है, किस बात की इस्तीफा दे दें। देखिए आज जितने आप कह सकते हैं जैसे टुकड़े टुकड़े गैंग या जो ताकतें शाहीन बाग में सक्रिय थीं, जो ताकतें किसान आंदोलन में सक्रिय थीं, जो हमेशा समय समय पर मोदी जी पर हमला किया करते हैं, पार्टी पर हमला किया करते हैं, आज वही सारी ताकतें दिखाई पड़ रही हैं। और मैं शुरू से इस बात को लेकर के चल रहा था कि मेरा इस्तीफा इनका मकसद नहीं है, मैं तो एक बहाना हूँ, इनका निशाना और कोई है, पार्टी है। अब जब इनकी डिमांड पर FIR दर्ज हो गई उसके बाद भी ये घर नहीं जा रहे हैं और सारे राजनीतिक दलों को आमंत्रित कर रहे हैं, जिस तरीके से प्रियंका जी पहुंची, जिस तरीके से आज उनके पति पहुंचे, जिस तरीके से अपना मलिक साहब पहुंचे, जिस तरीके से केजरीवाल पहुंचे, जिस तरीके से लोग इकट्ठा हो रहे हैं और जिस तरीके से गाली गलौज की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, तो इससे क्या मतलब निकलते हैं, खिलाड़ियों का आंदोलन है, ये खिलाड़ियों का आंदोलन नहीं है।